हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा नाश्ता जो कि बहुत ही चटपटा और स्पाइसी है, जिसका नाम है वेजी पकौड़ा टोस्ट। इसे बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, नॉर्मल है और खाने में बहुत ही मज़ा आती है। तो इस टॉपिक पर ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलेंगे। तो मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 200 ग्राम सूजी यानी सेमोलिना। इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम दही। सूजी और दही की क्वांटिटी बराबर रखेंगे। ऐड करेंगे इसमें हम बारीक चॉप की हुई प्याज। इसी के साथ थोड़ी सी हरी धनिया बारीक चॉप की हुई ऐड करेंगे और फिर हम इसमें ढेर सारा पुदीना डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप ज़रूर यूज़ करिएगा। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक चॉप किया हुआ यूज़ करेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर बारीक चॉप किया हुआ। सब्जियां आप अपने मनपसंद के हिसाब से ले सकते हो और थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसी के साथ इसमें हम आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आएगा। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार यूज कर सकते हो। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर काफ़ी थिक लग रहा है तो हमें और पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप जो है ना थोड़ा सा पानी और ऐड करिएगा। वापस फिर से हम मिक्स करेंगे सभी चीज़ को। तो ये देखिए, मैंने इसको बढ़िया से कर लिया है मिक्स। तो अभी ये सूजी है, थोड़ी देर इसको हम जो है ना फूलने के लिए रख देंगे, क्योंकि सूजी फूलती है। तो ढक करके 10 मिनट के लिए रख दीजिए सेट होने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने लिया हुआ है 4 ब्रेड की स्लाइस। और अब हम एक ब्रेड को लेंगे और इसके ऊपर जो है ना हम लगाएंगे सेजवान सॉस। तो मैंने यहाँ पर होममेड सेजवान सॉस लिया हुआ है। अगर आपको सेजवान सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सेजवान सॉस को हमें पूरे ब्रेड पे अच्छी तरह से फैला देना है। सॉस थोड़ा सा कम ज़्यादा आप कर सकते हो, जैसे आप पसंद करते हो उस हिसाब से। वैसे सेजवान सॉस जो होता है ना वो काफ़ी स्पाइसी होता है, तो आप जो है ना उसके हिसाब से कम ज़्यादा लगाइएगा अपने ब्रेड के ऊपर। अच्छी तरह से मैंने फैला दिया है। अब एक ब्रेड हम लेंगे और जो है ना इस वाली ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इसको हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि एक दूसरे से चिपक जाए। और फिर एक नाइफ लेंगे और बीच से कट कर देंगे। तो ये हमने कट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया से कट हो गया है। आपको एक उठा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ना। आप चाहो तो ऐसे भी इसे सेक करके तावे पे इंजॉय कर सकते हो। और इसी तरीके से बाकी जो है ना हम बना करके तैयार करेंगे। अब हम वापस चलेंगे अपने सूजी की तरफ जो हमने रखा हुआ था बना करके। तो ये देखिए, सूजी काफ़ी फूल गई है और जो है ना काफ़ी थिक हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम जो है ना मिक्स करेंगे ताकि ये जो है ना गाढ़ा गाढ़ा घोल की तरह हो जाए, ताकि हम इसमें जब ब्रेड को डीप करें तो अच्छी तरह से कोटिंग हो सके। दूसरी तरफ मैंने ऑयल रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। फ्लेम जो है ना मीडियम रखेंगे और यहाँ पर लेंगे हम अपने बैटर को और उसमें जो है ना ब्रेड को डालेंगे और कुछ इस तरीके से कोटिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे आप ब्रेड पकौड़ा बनाते हो ना, सेम वैसा ही प्रोसेस फॉलो करना है। ब्रेड को अलट पलट करेंगे और दोनों तरफ अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे और फिर हम इसे जो है ना ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देंगे। तो इसे फ्राई करते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और ऑयल जो है ना अच्छी तरह से गर्म रहेगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो एक बार में फ्राई करने के लिए डाल दिया है। आप चाहो तो इसे जो है ना सेलो फ्राई भी कर सकते हो, मैंने इसे डीप फ्राई किया हुआ है। अलट पलट करेंगे और दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट का समय जो है ना आपको फ्राई करने में लगेगा। जैसे ही डार्क गोल्डन कलर या फिर लाइट ब्राउन कलर आ जाए तो समझिए कि फ्राई हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा कलर दिख रहा है और फ्राई हो गया है। इसे हम ऑयल से बाहर निकाल देंगे। इसी प्रोसेस से हम बाकी जो बचा हुआ है ना उसको भी फ्राई करके तैयार करेंगे। तो ये हमारा वेजी पकौड़ा टोस्ट बन करके हो गया है तैयार।
बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बना हुआ है। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो तारा कुशवाहा फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय गाइज़।